छिंदवाड़ा वृंदावन लॉन में पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान का जन्मदिन मनाया गया। लगभग 10 से 15 हजार लोग कैबिनेट मंत्री के जन्मदिन में शामिल होकर बधाई देने पहुंचे। चौधरी चंद्रभान के जन्मदिन पर सहयोगियों ने पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया। दिन में नेत्र शिविर लगाकर दिन दुखियों को निःशुल्क सेवा दी गई एवं आंखों से पीड़ित व्यक्तियों को उजाला देने का कार्य किया गया और शाम होते ही जन्मदिन में भोजन का व्यवस्था भी की गई थी। इसलिए तो कहते हैं कि चौधरी चंद्रभान बड़े ही कोमल स्वभाव के हैं, जो अपनी ओर हर किसी को आकर्षित किए हुए हैं। ऐसा लगता है कि उनका हर किसी से आत्मिक व्यवहार है। हम आपको बताते हैं कि चौरई विधानसभा के जनप्रतिनिधियों के बारे में और जनता के बारे में यहाँ पर चौधरी चंद्रभान का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। अधिक से अधिक संख्या में चौरई विधानसभा के लोगों ने जन्मदिन में शामिल होकर पूर्व कैबिनेट मंत्री को बधाई संदेश दिया। जब मीडिया ने चौधरी चंद्रभान से पूछा कि आपका अभी अभी चौरई क्षेत्र में अधिक दौरा कार्यक्रम हो रही है, तो यहाँ की जनता के मन में आप छाए हुए हैं कि चौधरी चंद्रभान चौरई विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, तो आपकी क्या राय है। तब उन्होंने भाजपा पार्टी की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूंगा, जो पार्टी का आदेश होगा उसका मैं पालन करूंगा। जरा देखिए, चौधरी चंद्रभान छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से कई बार विधायक रहे हैं और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, लेकिन इस बार चौधरी चंद्रभान का जो चौरई विधानसभा से दौरा कार्यक्रम हो रहा है, तो जन जन में सनसनी फैली है कि क्या चौधरी चंद्रभान चौरई विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लगातार ऐसे ही NBCN न्यूज में बने रहिए, हम अगली कड़ी में आपसे फिर मिलेंगे। आज हमारे पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह जी, हमारे लाडले नेता का जन्म दिवस है जी। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से हम लोगों ने चौधरी साहब का जन्म दिवस मनाया जी। जैसा कि आप जानते हैं कि इसको सेवा दिवस के रूप में मनाने से हजारों जरूरतमंदों को आज खुशियां प्राप्त हुई और हमने नेत्र शिविर, स्वास्थ्य शिविर, आयुर्वेदिक शिविर और एलोपैथिक शिविर के माध्यम से विभिन्न रोगों की जांच और उनके निदान के लिए निःशुल्क दवाइयां वितरण करके आज दिन भर हमने वृंदावन लान में सेवा कार्य किया और कैंप के समापन के साथ हमने शाम को सुंदरकांड का आयोजन किया। संगीत में सुंदरकांड में राधे राधे ग्रुप सारना मंडल से यहाँ पर पधारा और सभी अतिथिगण यहाँ पर लगातार पधार रहे हैं। अभी कुछ ही समय में दीप प्रज्वलन करके केक कटने वाला है और हजारों की संख्या में यहाँ पर पूरे चौरई, सौसर, पांडुर्ना, फरासिया, अमरवाड़ा और छिंदवाड़ा से लेके सभी जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता, कार्यकर्ता और माताएं बहनें यहाँ पर बड़े प्रेम पूर्वक पधार रही हैं जी। सभी का यहाँ पर स्वागत हो रहा है, भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी की गई है जी। भव्य स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ऑर्केस्ट्रा संगीत के साथ में लिया जाएगा और जैसा कि आप जानते हैं कि चौधरी साहब बड़े सरल सहज हैं, उन्होंने पूरा जीवन जिले के विकास और जिले की सेवा में बिताया है। 5 बार कैबिनेट के मंत्री रहे हैं और लगभग 3 बार उन्होंने लोकसभा के चुनाव लड़े हैं। स्वयं एक किसान हैं और हम सबसे वो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, हम सबसे समस्याएँ लेते हैं, सुलझाते हैं और इस जन्मदिन के माध्यम से सक्रिय रहना चाहते हैं। हमारे पूरे ज़िले में दौरा करके और ख़ास करके चौरई विधानसभा को उन्होंने हम सबके बीच में संगठित करके और पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे जी हों, चाहे हमारे बबलू पटेल जी, चाहे लखन वर्मा जी, दान सिंह पटेल जी, हमारे शिव कुमार दुबे जी, नेमी चंद जैन जी, सभी के मार्गदर्शन में रह करके और हमारे ज़िले को जीत की ओर ले जा रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और आने वाला समय सबका मंगलमय होगा और हमारा जीवन इसी सेवा में बीत जाए। हम तो चाहते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे न रहे, और सबका साथ सबका विकास यह मंत्र मोदी जी का मजबूत रहे, ताकि हम जो भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं, चाहे चुनरी यात्रा हो, चाहे स्वास्थ्य शिविर हो, चाहे भागवत कथा हो, श्री राम कथा हो, जन्म दिवस हो और इस प्रकार के अन्य विभिन्न कार्यक्रम। NBC न्यूज के लिए चौरई से संवाददाता राजेश उइके की रिपोर्ट।